जदों दे ही केंद्र सरकार वालों खेती कानून बनाए गए हैं उदों तो ही हर वर्ग खेती कानूनों के विरोध च अपना योगदान दे रहा है। जिथे किसान ट्रैक्टर ट्राली लेके दिल्ली नूं रवाना हो रहे हैं उथे गुरदासपुर का एक नौजवान जिसके हौसले की दाद देनी होगी जिसने बीते दिनी किसानी अंदोलन च शामिल होने लई दौड़ लगानी शुरू की सी जो कि हुण फगवाड़े पहुंचा जिथे उसका स्वागत किया गया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया नौजवान रमिंदर सिंह कैप्टन ने कहा कि वह रोज 50 किलोमीटर दौड़ के सफर तय कर रहा है। उसने कहा कि उसका असल मकसद केंद्र सरकार नूं यह दसना है कि पंजाब दी नौजवान पीढ़ी कुछ भी कर सकती है। उसने कहा कि जेकर यह काले कानून रद्द ना होए तां किसानां लई दो वक्त दी रोटी खानी औखी होवेगी। मेरा नाम रमिंदर सिंह उर्फ कैप्टन है। मेरा पिंड भीला ते जा जिला गुरदासपुर। असीं पिंड भीले तो जो शुरू की सी तो फगवाड़े आ चुके हैं। जो एक असी एक टीचा मनिया एक दिन 50 किलोमीटर कवर करांगे, लेकिन जो पहले दिन शुरुआत की सी उस दिन 4 किलोमीटर कवर हो सकता उस करके मीडिया के कारण कुछ सज्जन मित्र कारण पिंडों 12 बज गए तो इस करके थोड़ा जहा उदन लेट हो गए। तो बाकी मैं जो किसानों बारे गल करा तो जो अज तो थोड़ा चिर पहला संघू जो इतों बो जो इतों अंदोलन शुरू होया अपने बार्डर तोरे बैरीयर तोरे गए सी हरियाणे ते असीं उन्हां दे हिस्सा भी रह चुके हैं। उस तो बाद संघू बार्डर च सेवा भी निभा चुके हैं। उत्थे वेख्या कि उत्थे हर तरह के लोग छोटे वड्डे निक्के अमीर गरीब वड्डे छोटे सारे अपने तरह का योगदान दे रहे हैं। फिर मेरे मन च ख्याल है कि मैं एक यूथ होंदे नाते पंजाब दी रीढ़ की हड्डी नौजवान हुंदी आ ते क्यों ना मैं अपने तरीके नाल कुछ योगदान पा सकां। इसलिए मैं उस दिन फैसला किया कि मैं अपने पिंड भीले ते जिहड़े संघू बार्डर दौड़ के जावांगा जी। सर मैं कोशिश कर रहा 50 किलोमीटर लेकिन सज्जना लेकिन रस्ते लोगों का बहुत प्यार मिल रहा। हर 2 किलोमीटर से मैं रुकना पै रहा जिस 50 किलोमीटर पैंडा करना थोड़ा औखा जहा, पर लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा भी एक दिन 50 किलोमीटर कवर किया जाए क्योंकि सज्जना मित्र का बहुत ज़्यादा साथ मिल रहा जी। मैं मोदी सरकार को यह बेनती करना चाहता कि किसान तो अगे बहुत माड़ी हालत में सी ते जे जिहड़े आ 3 कानून लागू होए आ इस नाल किसान होर ही माड़ी हालत चल गया। जिस नाल एक जे कानून लागू हो जाते हैं तो आढ़ती सिस्टम बंद हो जाता तो आढ़ती जिहड़े आ किसानों के ए टी एम का मतलब यह है कि कोई भी प्रोग्राम हुंदा निक्का मोटा वड्डा छोटा कोई भी हुंदा तो असीं आढ़ती को पाए फड़दे आ। जे साडा तुसीं आढ़ती सिस्टम ही बंद कर दोगे तो किसानों वास्ते बहुत औखा हो जाएगा। उत्थे दूजे पासे जुगराज सिंह ने दस्सिया कि इह नौजवान पहला भी किसानी संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। हांजी वीर जी, मेरा नाम जुगराज सिंह है और जिहड़ा नौजवान दौड़ के आ रहा है इहदा नाम अरमिंदर सिंह उर्फ कैप्टन आ। पिंड भीला तेजा नौजवान का नज़दीक फतेहगढ़ चूड़ियाँ जिला गुरदासपुर आ और इस नौजवान ने पहला भी एक दो बार संघर्ष में जाके हिस्सा लिया। जिदा पहले दिन साढ़े किसान भरा गए ने तो ये मन में उतों वेख के जोड़ा वो जोश उतों का जज्बा क्योंकि हर एक बंदा आपो अपने तरीके उड़ा इस संघर्ष में हिस्सा पा रहा है और उतों ही इस नौजवान ने इरादा बनाया कि मैं जोड़ा वा अपने पिंड तो तकरीबन 500 किलोमीटर का जोड़ा सफ़र आज दिल्ली तक मैं दौड़ के जोड़ा तय कराँगा। सर एक दिन का जोड़ा वा 50 किलोमीटर का सफ़र जोड़ा तय किया जा रहा वा जी। 25 तरीक तो असी अपने पिंड तो जोड़ा वा ये दौड़ आरंभ की है और तकरीबन तुसी मान के चलो कि 8-9 दिन के दिल्ली पहुँच जाए। उथे ही फगवाड़ा पहुंचते रमिंदर सिंह कैप्टन सुखचैन साहिब विखे नतमस्तक होया जिथे रमिंदर सिंह नूं सरोपा भेट किया गया। इस दौरान गलबात करदियां सरवन सिंह कुलार ने कहा कि रमिंदर सिंह दा इह उपराला शलाघा योग है। उन्हां कहा कि इस नौजवान ने पंजाब ते लगे नशे दे धब्बे नूं दूर कर दिता है। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौजवान कैप्टन रमिंदर सिंह जिन्हां ने उपराला किया गुरु महाराज का ऊट आसरा लैके ये जो किसानी संघर्ष चल रहा दिल्ली उत्थे दौड़ के जाना। उन्होंने 500 किलोमीटर दे रीजन दौड़ के रोज 50 किलोमीटर दौड़ना है उन्होंने तो अज इतने 6वें पातशाह के पवित्र स्थान गुरुद्वारा सुखचैनाणा साहब विखे नतमस्तक होया। इतने इन्होंने आराम भी करना है। सारी संगत वालों किसान जथेबंदियों वालों इन्हों का इतने स्वागत किया गया। गुरु महाराज कृपा करे इस संघर्ष को चढ़ती कला बख्शिश करे और ये सफलता बख्शिश करे और ये नौजवान जो साडे संघर्ष के ने पूरे आने वाले भविख की साडे रीढ़ की हड्डी है इन्हों के सिर पर आने वाला जिहड़ा भविख है और सानू बहुत खुशी है कि इस संघर्ष के नौजवानों ने जिहड़ा धब्बा लाया सी पंजाब के 70% जिते नशेड़ी आ वह सारा ही दूर कर दिता और जिन्ना सुचजे ढंग नाल इन्होंने उत्थे अगवाई की उत्थे सेवा की है और वह काम किए। जदों बहुत ठंड सी उस वेले जदों मीह भी पिया तो हत्थां दे नाल उत्थे सफाई करते सी
वो देख के मन खुश हुंदा सी भी ये नौजवान साडा आने वाला भविष्य और असीं अपने आप नूं माण महसूस करते हैं भी साडे नौजवान बड़े चढ़दी कला च और पूरे सेवा नूं समर्पित आ गुरु महाराज दे आशे अनुसार चलदे आ। ये जो उपराला कैप्टन रविंदर सिंह ने किया और इन्हां दे साथियों ने बड़ा सहयोग किया इन्हां नूं असीं इत्थे पहुंचे ते जी आखदे आ। बहुत बहुत धन्नवाद महाराज कृपा करे इन्हां नूं तंदुरुस्ती भी बख्शिश करे अते जो मिशन लैके चले आ वह मिशन दे विच सफलता बख्शिश करे। बहुत बहुत बधाइयां जिन्हें भी इत्थे साडे गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों इन्हां दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत स्वागत करदे आ। फगवाड़ा तो यश शर्मा की रिपोर्ट। जेकर तुसी मर्दाना कमजोरी तो हो परेशान जिवें नसा की कमजोरी सैक्स इच्छा की कमी बचपन च कीतियां गलतियां तांत शिकर पतन घट शकराणु जां पेशाब नाल विरज आउणा तां हुण घबराउण दी नहीं लोड़। तुहाडी हर बीमारी का इलाज करनगे डॉक्टर ललित वर्मा। हुण कदों तक गुप्त रोगों नूं छुपाउंदे रहोगे? उम्र होवे 25 जां 80 साल दर दर ना पटको असी करांगे सफल इलाज। अनेक डॉक्टर हकीमां तो पुड़ियां खा के तंग आ चुके मरीज अज ही आओ ताकत जोश अते जवानी लई आखरी उम्मीद वर्मा आयुर्वैदिक दवाखाना नाइया वाला चौंक फगवाड़ा। हुणे फोन करो 98144-6674 98150-6674।